अच्छी से सी सी करती ये आंखें, हर सपने को जी जी करती हैं। हाय क्या करूं मैं, क्या करूं, आशा की सीढ़ी पे पांव पांव चढ़ती ये आंखें, हर सपने को जी जी करती हैं। हाय क्या करूं मैं, तो शक है कि उसका जरूर किसी ना किसी के साथ ना कोई चक्कर चल रहा है। मेरे बाप को नहीं जानती तुम, लात मार के ना मुझे घर से बाहर निकाल देगा। कितने घटिया इंसान हो तुम, तुम्हारे खातिर मैंने अपनी मंगनी तोड़ दी हो तो मुझे बाप की कहानी सुना रहे हो। किस बात से इतना खौफ है तुम्हें? खौफ मुझे इस बात का खौफ है कि मैं कल को रिग्रेट नहीं करना चाहता कि जब मैं अपना बच्चा पैदा कर सकता था तो मैंने अडॉप्ट क्यों किया बच्चा। तो हमसे मैं प्यार, क्या बात है नईम भाई, खुल के बताए ना। तो दोनों शॉपिंग करने गए थे। शॉपिंग करने गए थे? वैसे हम हमसाए हैं आपके, आप हमें बता देते तो हम लाजमन कोई मदद करते आपकी। वो सब कुछ इतना अचानक हो गया, मुझे खुद नहीं पता चला। चलिए कोई बात नहीं, परेशान मत हो, अल्लाह ने चाह तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अबर साहब आपका। जी शुक्रिया की अदा कर रही हैं, आपका तो हक है मुझ पर। नानी कहीं तेरी जिंदगी में कोई आ तो नहीं क्या? अरे नहीं सोबिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तू कहाँ जाती है यार? तू क्यों इतनी टेंशन ले रही है? मेरा मसला ना मैं देख लूंगी। तो इसका मतलब है कोई है ना? हाँ है। गुजली की कौन सी बात है? मैं गुजल गुजल नहीं, क्या है? नहीं कौन गुजल है? तू? हाँ तुम बुजदिल थी ना बचपन में, अंधेरा होता था तो डर जाती थी। क्यों तंग कर रहे हो? क्या मेरी सहेली ने मुझे धोखा दिया? लेकिन क्यों? ऐसा क्यों करेगी मेरे साथ? भरोसे को क्यों तोड़ा है उसने? और पापर मैं उस दोनों के दरमियान क्या थी? जी को बताती हूँ, लेकिन अगर मैंने ताया जी को बताया तो कहीं बात बिगड़ ना जाए। ताया जी को बताऊंगी तो वो ताया जी को बता देंगी, अगर उन्होंने बाबर को घर से निकाल दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं भाई दानिया से अपनी बेइज्जती का बदला उतारने के लिए ये सब चाल चल रही। पर वो ऐसे है तो नहीं, फिर से पूछूंगी तो वो भड़केगा। दानिया से बात करती हूँ, हाँ दानिया से बात करती हूँ, शायद वो ही मुझे बता दे। हेलो अस्सलाम वालेकुम आंटी, सोबिया बात कर रही हूँ। हाँ सोबिया कैसी है तू? ठीक, मैं ठीक हूँ। अंकल कैसे हैं? ठीक हैं, पहले से काफ़ी बेहतर है। आंटी दानिया से बात हो सकती है? दानिया तो घर पे नहीं है, बस नया भूत सवार हुआ है उस पर नौकरी करने का। पता नहीं मेरी तो समझ में नहीं आता ये लड़की करेगी क्या। एप्लीकेशन देने गई है कहीं नौकरी के लिए। कब तक आएगी ये तो मुझे पता नहीं, तू बता। बस जब वो आए तो बता दीजिएगा कि मैंने फोन किया था। तू भी ना, बस दानिया घर पे होती है तभी आती है। कभी अपनी आंटी से भी मिलने आ जाया कर। जी आंटी मैं आऊंगी। अब बस रहने भी दे, हमेशा यही बहाना। दानिया घर पे होती ना तो तूने फौरन आ जाना था। अच्छा बेटी जब जी चाहे आ जाना। अल्लाह हाफिज़।
ये मेरी सीवी है। ठीक है मैडम, मैं रख लेता हूँ। तो फिर आप मुझे फ़ोन करके बता देंगे ना? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नज़र नहीं आता आपको, देख कर नहीं चल सकते? I'm sorry. सर मैं उठा था। नहीं नहीं उठा था। वो तो ठीक है हसबा साहब। अच्छा वो मेरे बिल साइन हुए कि नहीं? वैसे आपको भी बहुत जल्दी होती है शाहजी, मैंने आपके ऑफिस का भी माहौल देखा है, बेचारे ठेकेदार रुल जाते हैं, फिर जाके कहीं आप उनकी फाइल्स पे साइन करते हैं, और आप यहाँ पे आते हैं तो आपको जल्दी होती है, चाय वाय पी लें साइन भी हो जाएंगे। हसबा साहब क्या करें, सरकारी कामों में ऐसे ही होता है। अच्छा आप देखें ना, आपकी कंपनी का काम कभी फंसने दिया है? आप किस कंपनी के काम की वजह से बेचारे काजी साहब किस हालात को पहुंच गए? हाँ यार मैंने सुना था, वो क्या बना? बनना क्या है यार, अब तो मुझे भी खौफ आने लगा है, सोचता हूँ कुछ ऐसा करूँ कि कोई तलाफी हो सके। लेकिन शाहजी आपने जानबूझ के थोड़ी किया था। वो तो ठीक है अजमत साहब, लेकिन बात तो दुख की है। अच्छा वो मैंने सुना है कि नबील साहब के ऑफिस में कोई पीएस की सीट खाली है। आप भी बहुत खबरें रखते हैं हमारे ऑफिस की शाहजी। क्या करें अजमत साहब, आप मोबाइल पर सर्विस जो ले रखी है खबरों की। हाँ है, बताएं। मैं सोचता हूँ अजमत साहब कि अगर वो जॉब काई साहब की बेटी को मिल जाए तो कुछ ना कुछ तलाफी तो हो ही जाएगी। कोई एक्सपीरियंस है उसका? नहीं इस बात का तो मुझे अंदाज़ा नहीं, मैं किसी से पूछ के बताऊंगा। अब देखें ना शाहजी, हमारे पास बहुत सी सीवीज आई हैं, बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज में काम करती हैं, यहाँ इंटरव्यू देंगी फिर फैसला करेंगी कि ज्वाइन करना है या नहीं। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने इश्तिहार में लिखा था कि हमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये कोई दानिया काजी नाम की लड़की है, इसका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है फिर भी सीवी दे गई। क्या नाम बताया आपने? दानिया काजी। यही तो काजी साहब की बेटी हैं, घर के मुश्किल हालात की वजह से अप्लाई किया होगा, वरना काजी साहब की इकलौती औलाद हैं, वो इन्हें कहाँ जॉब करने देते। अजमत साहब कुछ करें ना प्लीज़ इसका। ठीक है, आपके कहने पे मैं पूरी हेल्प करूँगा, बाकी काम मैडम का। आप कुछ करेंगे ना तो वहाँ से इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। ठीक, और कोई हुक्म? हाँ यार वो मेरा बिल तो साइन करो जिसके लिए मैं आया हूँ। लेकिन चाय पिए बगैर मैं नहीं जाने दूंगा। अरे आ जाओ ले आओ खाना, अब लेट हुआ ना मैं तो जावेद साहब को दोबारा से गुस्सा चढ़ जाएगा। हाँ आ रही हूँ आ रही हूँ। अब क्या कर दिया जावेद साहब ने? उन्हें कुछ करने की जरूरत है, उनका रिकॉर्ड हर वक्त तो चलता रहता है, ये मत करो वो मत करो, ऐसे नहीं करोगे तो वैसे कैसे होगा, ऐसे नहीं करोगे तो जिंदगी कैसे चलेगी। तू भी सुधर जाना। मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? जैसा वो कहते हैं वैसा ही करता हूँ मैं, बचपन से वही किया है जो आप लोग कहते हैं, इससे ज्यादा सीधी जिंदगी कोई नहीं जी सकता जितनी सीधी जिंदगी मैं जीता हूं। अच्छा अच्छा ज्यादा बातें ना बना, चुप करके खाना खा। एक बात तो बता, सुबह जो तूने बात की थी तो मजाक कर रहा था या सीरियस था? क्या फायदा, मैं आपको बता भी दिया तो उससे क्या होगा, इस घर में तो वही होना है जो जावेद साहब ने कहना है, और आपने कुछ कर लेना है क्या? आपको बता भी दूं कि जो मैं कह रहा था दिल से कह रहा था तो? ये तो सोबिया में कमी किस बात की आखिर? कोई कमी नहीं, आप बस 2 साल रुक जाओ फिर देखना, मियां बीवी नहीं माँ बेटा लगेंगे, अब बाहर कहीं जाएंगे ना तो लोग बोलेंगे माँ बेटा जा रहे हैं। सोबिया ऐसी लड़की से शादी नहीं करते, शादी करते हैं अच्छी सी प्यारी सी स्लिम ट्रिम सी कम से कम अपनी उम्र की लड़की से। शादी के बाद सारी लड़कियां एक जैसी हो जाती हैं, अब बताने का क्या फायदा, शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, दिन रखने हैं बस, और तू इस घर में ना सबको अपनी मर्जी करने की इजाजत है सिवाय मेरे, आप सब जो चाहे करें मैं कुछ नहीं कर सकता नहीं बोल सकता। आप लोगों ने कभी सोचा है, एक लौता बेटा हूं मैं आपका, एक लौती संतान, और मुझे बचपन से ही कितना दबा के पाला है आप लोगों ने। तूने पहले तो कभी इस तरह की बातें नहीं की, आज अचानक तुझे क्या हुआ? अचानक कुछ नहीं हुआ, मैं बस आपसे इतनी इल्तजा कर रहा हूँ मेरी माँ कि आप मेरी माँ हो, अगर आप मेरे लिए कुछ नहीं करोगे तो क्या होगा मेरा? क्या करूं मैं तेरे लिए? सोबिया मेरी शादी मैं नहीं करना चाहता।
दिमाग चल गया तेरा? अरे तेरा बाप तेरी खाल तो खींचे गई, मेरे सर पे भी एक बाल नहीं छोड़ेगा। बेटा क्यों इस उम्र में मुझे पटवाना चाहता है, घर से निकाल देगा? तो क्या हो रहा है, मैं हूं ना। वाह बेटा, तू खुद का बोझ तो उठा नहीं सकता, अरे मुझे कहां से खिलाएगा? अरे क्या हो गया है माँ, माँ बच्चों के लिए इतना कुछ करती हैं, आप मेरे लिए इतना सा कुछ भी नहीं करोगे? इस केस में मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, तुझसे सिर्फ इसलिए पूछा था कि तेरे दिल की बात जान सकूं। वैसे भी मैं किसी की बेटी की बदवा नहीं ले सकती, और इस रिश्ते को छोड़ने का मतलब समझता है तू? क्या होगा, नहीं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पूरी बिरादरी थू थू करेगी कि जावेद ने बेटे के पीछे लग के मरहूम भाई की बेटी को छोड़ दिया। ना बेटा ना, इस उम्र में ये बदनामी मोल नहीं ले सकते हम। बदनामी मोल ना लेना, चाहे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाए। कोई जिंदगी बर्बाद नहीं होती, शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। लेकिन मेरी लेकिन कुछ नहीं, जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। खामखा घर में तलखी बढ़ेगी, ऐसी बातें ना कर बेटा, ना कर तू ऐसी बातें। कैसे हो अजमत? मैं ठीक हूँ मैडम, बिल्कुल फाइन। मैडम आप तो ऑफिस का रास्ता ही भूल गई, कभी चक्कर ही नहीं लगाया? बस कुछ तबीयत भी ठीक नहीं रहती, और वैसे भी मुझे क्या करना है ऑफिस आके। तुम कहो कैसे आना हुआ? मैडम कुछ कागजात पर साइन करवाने थे, कुछ बैंक स्टेटमेंट्स निकलवाई हैं, मारिया सिटी के शेयर स्टॉक में लेके जा रहे हैं। हाँ दो प्लीज। यहाँ थैंक यू मैडम। अरे मैं पूछना ही भूल गई, ठंडा पियोगे चाय? थैंक यू मैडम, मैं चलता हूँ मैडम। अच्छा खुदा हाफिज़। मैडम वो मैं बताना भूल गया कि हाँ क्या कुछ एप्लीकेशंस आई हैं पीएस के लिए, तो सिलेक्शन कमेटी का इजलास कब बुलाएं मैडम? ये सब कुछ तुम लोग खुद ही देख लेना, मुझे बस प्रोफाइल भेज देना। ठीक है मैडम, कुछ खास इंस्ट्रक्शंस? नहीं कोई खास इंस्ट्रक्शंस तो नहीं है, बस ये जिसको भी कंसिडर कर रहे हो उसका बैकग्राउंड चेक ज़रूर कर लेना। हाँ और एक और बात। जी मैडम। ये जो लड़कियाँ होती हैं ना जो बार बार जॉब्स चेंज करती हैं, उनको ज़रा अवॉइड ही करना, तुम्हें पता ही है अपने अल्टीरियर मोटिव्स के लिए ये लोग कुछ भी करने को तैयार होती हैं। ठीक है मैडम। वो मैडम एक लड़की है दानिया, उसकी एप्लीकेशन आई है, कहीं पे कोई काम करने का उसका एक्सपीरियंस भी नहीं है, अगर आप कहें तो उसका प्रोफाइल भिजवा दूँ आपके लिए? हाँ हाँ भिजवा देना, देख लेंगे उसे भी। ठीक है मैडम, इजाज़त मैडम। अच्छा खुदा हाफिज़, थैंक यू। थैंक यू। बड़ी देर लगा दी तूने? रश ही इतना था, बसों के धक्के खा खा के थक गई। नौकरी मिल गई? क्या हो गया अम्मी, अभी अप्लाई किया सिर्फ। अबू कैसे हैं? ठीक हैं, पूछ रहे थे तेरा। क्या कहा आपने? यही बताया कि तू नौकरी की दरख्वास्त देने गई। कुछ कहा उन्होंने? नहीं, खामोश हो गए। तेरे लिए फ़ोन आया था सोबिया का। क्या कहती? बस तुझसे बात करना चाह रही थी। चले कर लेते हैं, चल अंदर चल, मैं खाना लगाऊं, बहुत भूख लग रही है, लगा दो। हेलो हेलो हेलो, कौन है? पता नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा। पहले आती थी इस तरह की कॉल्स, फिर आनी बंद हो गई, आज बड़े अरसे के बाद आई। तुम्हें पता है कौन है? मुझे क्या पता कौन है, मुझे कैसे पता होगा। अच्छा
आपकी तबीयत कैसी है? अम्मी ने आपको बताया कि मैं आज नौकरी के लिए गई थी। मैं बताना चाह रही थी मगर आप सो चुके थे। अबू मैं नौकरी कर लूँ ना? वो अगर आपका बेटा नहीं है तो आपको पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इतना कुछ किया है मेरे लिए, तब मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ करूं। लेकिन आप मुझसे वादा करें, आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, हमेशा मेरे पास रहेंगे। तो ना रोए ना, मैंने नईम के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया। उसे जो कुछ भी किया आपके साथ, ऐसे शख्स के साथ मैं सारी जिंदगी कैसे गुजार सकती थी? काश पहले ही पता चल जाता उसके बारे में। आपके जितने कोलीग्स भी आए देखने आपको, सब यही कह रहे थे कि आपकी ये हालत नईम की वजह से ही हुई है। क्या ऐसा ही है? अम्मी फिर भी उससे बात करना चाहती है। अब वो हम क्यों दे उसको सफाई का मौका? उसने जो कुछ किया उसके बाद बनता है? एक बार तो उसकी बात सुन लेनी चाहिए हमें। वो मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाली। मैं नहीं माफ करूंगी उसको। जैसे तुम्हारी बेटा, इसमें थोड़ा गर्म पानी और ला दे। बाबर को क्या हो गया? आज पूरा एक हफ्ता हो गया ना वो मेरा फोन उठा रहा है, ना मुझसे बात कर रहा है। मुझे पता है तो सही कि आखिर हुआ क्या है। कहीं मुझे अवॉइड तो नहीं कर रहा? लेकिन क्यों, ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ? कल मैं इसके घर जाऊंगी, लेकिन कैसे, कौन सा बहाना लगा के जाऊं? आज तक तो गई नहीं उसके घर। आई आई, कौन? सोफिया, तुझे किसी ने छेड़ा गली में? तो तेरे मुंह पे 12 क्यों बज रहे? अंदर आने देगी या सारी तफ्तीश यहीं करनी है? आना, आ जा, बताना क्या हुआ है। सोफिया, तू रो रही है? अरे ऐसा क्या हुआ, बोल ना। सोफिया बता क्या हुआ है। देख मेरा दिल बैठा जा रहा, तू बोल तो सही। सोफिया, नईम भाई मेरे घर आए थे। नहीं, वो क्यों आया था? पता नहीं, पर वो कह रहे थे कि... क्या कह रहा था, क्या कह रहा था? मेरा और बाबर का कोई चक्कर है। और तूने मान लिया? तो तेरा एतबार उठ गया मुझ पर से? नहीं यार। यार वो बकवास कर रहा है, मुझसे बदला लेना चाहता है। जानबूझ के मेरे किरदार पे कीचड़ उछाल रहा है। उसको पता तू मेरी फ्रेंड है, हमारे दरमियान लड़ाई करवाना चाह रहा है। पर वो
सारी कपड़ों की रसीदें। यार सुबह मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तू क्या बात कर रही है? अगर तू भी माइंड बना के आई तो मुझे बता दे, मैं उस पर क्या कर सकती हूँ? मेरे सर की कसम खाना। यार ये क्या बकवास है? वो बंदा आके तुझे कुछ कहता है तू यकीन कर लेती है? कोई भी आके मेरे बारे में बात करेगा तू यकीन कर लेगी? पता मुझे अफसोस इस बात का कि तू इस वक्त मुझसे बात करी जब मेरा बाप अंदर बीमार बैठा हुआ है। तो ये सब झूठ है? जाहिर बात है यार, जो कुछ मैंने नईम के साथ किया है, कोई भी किसी को तू बताओ बता देगा तुझे गलत बात कर रहा है वो। रहने दे दानी, सब कुछ तो मेरे सामने ही है। तेरा घर से जाना वो भी मेरा नाम लेकर, मुझे ये बताना कि कोई है पर तुझे नहीं बता सकती। उस सिनेमा की टिकटें और रसीदें सब कुछ तो सामने है यार, क्या कहूं तुझसे? यार सोबिया, अम्मी जा रहा हूं मैं। कहां जा रहे तू? कहां जा सकता हूं मैं? जिंदगी में मेरी सिवाय घर से दुकान, दुकान से घर कुछ और है? अच्छा जरा सोबिया को लेके ना दानिया के घर से छोड़ता जा। मैं नहीं जाऊंगा, आप फोन करके बोल दें उसे खुद ही आ जाए। हाय हाय, ऐसा कौन सा मीलो दूर जाना है जो तू इनकार कर रहा है? यार आपको एक दफा बोल दिया नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, आप लोग तो हर बात पे बहस शुरू कर देते हैं। बाबर बदतमीजी मत कर और जा जाकर उसे लेकर आ, मैं भी देखती हूँ तू कैसे नहीं जाता। मेरी जिंदगी की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस घर में पैदा हुआ हूं मैं, यहां पैदा नहीं हुआ होता ना तो इतने मसले भी नहीं होते, थोड़ी सी मर्जी अपनी चला लेता मैं। मैं तुझे मनाने या मुजरिम साबित करने नहीं आई, ना ही मैं चाहती हूं कि तू अपनी या मेरी नजरों में गिरे। शायद ये तकदीर का दौरा है जिसने हम दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा किया। हाँ शायद ये तकदीर का दौरा ही है, और इंसान का बस ना रास्ता चुनने में और ना ही मंजिल तक जाने में। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम बगैर कोई तमाशा किए अपने अपने रास्ते अलग कर ले। पर एक बात कहूं दानी? बोल। मैं तकदीर से नहीं लड़ूंगी, मुझे जो भी मिलेगा ना मैं कबूल कर लूंगी, क्योंकि तकदीर से लड़ने वाले या तो बादशाह होते हैं या मकदूर। अगर जो खुद को उसके रहम पर छोड़ देते हैं ना दानी, वो उन्हें इतना कुछ दे देती है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं लड़ूंगी, क्योंकि हर बार कत्ल हो के थक चुकी हूं। मत लड़ना दानी, क्योंकि जब तू टूटेगी ना तो कोई समेटने वाला नहीं होगा। बाबर होगा, तू उसे थोड़ी देर रोक, मैं मुंह धोकर आती हूं। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है उस चार दीवारी से बाहर निकले। बाबर आज मिलना जरूरी है। बाबर मैं तुझसे बात कर रही हूँ।
देख तू मुझे ऐसा इग्नोर नहीं कर सकता। सोफिया जल्दी करो, टाइम नहीं है इतना मेरे पास। देख आज ना मिलाना सारी उम्र पछताएगा। सोफिया जल्दी करो, टाइम नहीं है। पीएस के इंटरव्यूज भिजवाए थे मुझे, मैंने रिकॉर्डिंग सुन ली थी। हाँ तो कोई ढंग की लगी तुम्हें? ढंग की क्या लगनी है, तो पता ही ऐसा है कि लड़कियां सिर्फ सोशल क्लाइंबिंग के लिए काम करती हैं। तो इसमें क्या हर्ज है यार, इतनी एम्बिशियस होती है ना तो किसी चीज पर रुकती भी नहीं है फिर। देखो तुम खुशनसीब हो, सोने का चमचा लेकर पैदा हुई हो। अगर स्लम में पैदा हुई होती तो फिर मैं तुमसे पूछता। अच्छा प्लीज नबील, अब सुबह सुबह लड़ाई करनी है क्या? अरे लड़ तो नहीं रहा हूँ मैं। खैर मुझे वो दानिया ठीक लगी उनमें से। अरे उसको तो कुछ भी नहीं आता, ना लायक है बिल्कुल। उसका सीवी देखा है, पहली मर्तबा जॉब कर रही है, कंप्यूटर की एबीसी तक तो जानती नहीं है। हाँ पता है मुझे, लेकिन वो ही ठीक है। कैसे ठीक है भाई? वो तो सारा दिन अपने काम में लगी रहेगी, सीखती रहेगी, उसको फुर्सत ही नहीं होगी किसी और चीज़ की। क्या मतलब कुछ और करने की? ये दूसरी बार कह रही हो ये बात, तुम गिल्टी कर रही हो तुम मुझे। अरे तुम क्यों हर चीज पे इतना भड़क जाते हो, पता नहीं क्या मसला हो गया तुम्हारा। मसला कुछ नहीं है, नहीं अच्छा लगता मुझे इस तरह बार बार तुम इल्जाम लगाती हो मुझ पे। तुम एक काम क्यों नहीं करती, मेरी टेबल के साथ अपनी टेबल लगा लो ताकि सारा दिन नजर रख सको। अच्छा नबील प्लीज, अब इस तरह से तंज करने की कोई जरूरत नहीं है। खुदा हाफिज। क्या बाबर, मेरी बात सुन सकते हो? देख बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास, दुकान पे लेट पहुंचूंगा ना मैं तो बाप बोलेगा मेरा। आज से मेरी और दानिया की दोस्ती खत्म, अब मैं सिर्फ तुम्हारा फैसला सुनना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी खामोशी को क्या समझूं? देख कुछ बोलूंगा ना मैं तब भी नहीं समझेगी तू। अगर तुम साफ साफ बात करोगे तो अच्छा है, क्योंकि दानिया भी पहले इसी तरह बात को घुमा फिरा रही थी। तुम्हारे और उसके बीच में कुछ नहीं है, उसके और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। लेकिन वो तो तुम्हारे पीछे बहुत कुछ कर चुकी है। तो मैंने नहीं कहा था उसे कुछ भी करने के लिए, खुद ही किया उसने, क्योंकि पागल है वो। अरे अच्छी लगती थी मुझे, सही है, उसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मोहब्बत हो गई थी उससे। तो ये बात तुम उसे भी बता देते ना, ताकि कम से कम वो बेचारी यहां तक तो ना आती। किसी के साथ इतना जुल्म कैसे कर सकते हो बाप? कौन सा जुल्म है, क्या किया है मैंने, हैं क्या किया है? अरे वो इतनी अनप्रेडिक्टेबल है, हर बात की इतनी जल्दी लगी रहती है उसे, उसने किया है सब कुछ, मैंने क्या किया है? तुमने अच्छा नहीं किया बाबू, उसे तो बर्बाद किया ही, मेरे पल्ले भी कुछ नहीं छोड़ा तुमने। मैं तो उसे ये भी नहीं बता सकती। जरूरत भी नहीं है उससे या किसी से भी कुछ भी कहने की, कोई जरूरत नहीं है। एक बात अपने पल्ले बांध ले सोफिया, इस मामले में अगर तेरा मुंह खुला ना तो याद रखिए, दोस्त तो तेरी गई, मैं भी निकला तेरे हाथ से। और दानिया, उसका क्या बनेगा? उसको तो मुझ पर छोड़ दे, उस मामले को मैं संभाल लूंगा। काश तुम ऐसा ना करते बाप, उसके साथ साथ तुमने तो मुझे भी एक खिलौना बना दिया। ऐसा कुछ नहीं किया मैंने,
मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर ये बात मी को पता लगी या मेरे बाप को पता चला तो लात मार के ना मुझे घर से बाहर निकाल देगा वो। अब करना क्या है? कुछ नहीं करना, तुझे तो कुछ भी नहीं करना। देख मेरी बात सुन, मेरे और दानिया के बीच में ना हमेशा एक फासला रहा है। जैसा तू सोच रही है वैसा कभी कुछ नहीं हुआ हमारे बीच, और उसकी टेंशन ना ले, संभाल लूंगा मैं। और अगर दानिया ने कुछ ऐसा किया तो? कुछ नहीं करेगी वो। जा कर जा। सुनो, तुम्हें याद है बचपन में तुम अपना होमवर्क मेरे घर छोड़ाया करते थे, पर मैं वो कर देती थी। याद है मुझे, और इस बार भी पूरी उम्मीद कर रहा हूं मैं कि तू अपना होमवर्क करेगी। घर जा। कैसे हो सकता था जो कुछ मैं कर रही थी उसका सूबिया को या किसी और को पता ना चलता? मैंने उस वक्त ये क्यों नहीं सोचा कि मैं क्या कर रही हूं? लेकिन मोहब्बत करने पे मेरा इख्तियार थोड़ी था। बाबर पर सारी बात है, लेकिन क्या वो मेरा साथ दे पाएगा? वो मेरा साथ देगा या अपनी कजन मंगेतर का? अगर बाबर ने मेरा साथ देना होता तो वो मुझे यूं नजरअंदाज क्यों करता? लेकिन क्या सूबिया ने उसको बता दिया होगा? अगर सूबिया ने बाबर की अम्मी अबू को बता दिया तो क्या होगा? बाबर अपने घर वालों से मेरे लिए लड़ पाएगा? या खुदा, मैं किस अज़ाब में फंस गई हूँ? बाबा क्यों मुझे मुसलसल इग्नोर कर रहा है? क्यों मेरा साथ नहीं दे रहा? बाबर क्या मसला है, क्यों इग्नोर कर रहे हो मुझे? तेरा तो ना बस काम है इंसान के सर पे बम फोड़ना, तू फोड़ती रहे। तेरे में सबर नहीं है? अल्लाह अल्लाह करके तो मैंने सोबिया को घर भेजा है। अच्छा, तो उसने तुमसे भी बात कर दी है सारी? हाँ कर दी है, और अल्लाह का शुक्र अदा करके मुझसे की है, मेरे बाप से या मेरी माँ से नहीं करती। बाबा तुम अपने माँ बाप के साथ से निकलते क्यों नहीं हो, फैसला क्यों नहीं करते? तानिया मैं तेरे जितना बहादुर नहीं बन सकता, इतने बड़े बड़े फैसले करने में ना टाइम लगता है मुझे। अच्छा, तो ये सब तुम्हें उस वक्त याद नहीं आया था? आया था, पर मुझे पता नहीं था ना कि तू इतनी जल्दबाज निकलेगी। खुदा के लिए बाबर, बिल्कुल अकेली हो गई। अगर तुम इस वक्त मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं क्या करूंगी? देख अभी कुछ दिनों के लिए हम खामोश रहे ना, यही बेहतर है। जो तूफान उठा है ना, इसे थम लेने दे। और मेरे अंदर जो तूफान उठा है उसका क्या? देख अभी कोई आ जाएगा, काम का में और नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। अभी फोन बंद कर दे। ठीक है, तू मुझे छत पे आके मिलो। अभी मैं नहीं आ सकता, तुझे समझाया ना मैंने, तेरी समझ में नहीं आता। बाबर तुम मुझे मुसलसल इग्नोर कर रहे हो, तुम क्या चाहते हो बता क्यों नहीं देते मुझे? मैं कोई इग्नोर नहीं कर रहा, अभी मामला गर्म है, कोई आ जाएगा मेरे सर पे तो फोन बंद कर दे। नहीं करूंगी, कोई आता तो आ जाए, मुझे बात क्लियर करनी है सारी। बाबर हेलो, बाबर ने मुझे धोखा दिया है या तानिया को? मैं उसका एतबार कैसे करूं? अगर वो ताया जी के कहने में आकर मुझसे शादी कर रहा है तो इस शादी का क्या बनेगा?
क्या वो सारी उम्र मेरा रहेगा? और दानिया, दानिया का क्या कसूर? मैंने भी तो अपनी सहेली का दिल दुखाया, बाबर ने उसके साथ भी वही किया जो मेरे साथ किया। क्या ये तकदीर के मामला थे? मैं अपनी तकदीर से नहीं लड़ सकती, नहीं लड़ सकती। हेलो, मिस तानिया बात कर रही हैं? जी जी, नबील एंड मारिया एसोसिएट से बात कर रहा हूँ मैं। मैम, आपका इंटरव्यू है जॉब के लिए। कब? आज दोपहर को अगर आप आ जाएं। अच्छा चल ठीक है, मैं आती हूँ। ओके थैंक यू। आप ये जॉब क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि मुझे एक जॉब की जरूरत है अभी। लेकिन आपके सीवी में तो ऐसी कोई चीज नहीं जिससे कहें कि हमें आपकी जरूरत है। सब मैं सीख लूंगी। देखिए, हमने यहाँ कोई ट्रेनिंग सेंटर तो नहीं खोला हुआ। आपको इस जॉब की नौयत मालूम है? जी सर। अगर लेट आवर्स काम करना पड़ा तो? सर, काम के साथ तो ये होता ही है, फिर मैनेज कर लूंगी मैं। क्या सोचती हैं, कहाँ तक ग्रो कर पाएंगे इस जॉब में? सर, फिलहाल तो मेरी कोई हाई होप्स नहीं है, लेकिन ये है कि बस जॉब की जरूरत है, मुझे जॉब चाहिए। ठीक है, आप जा सकती हैं, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ओ, आपके डॉक्यूमेंट्स। ये बार बार आपके डॉक्यूमेंट्स क्यों गिरते हैं? सर वो एक काम कीजिए, ये ले लीजिए, इसमें डाल लीजिए डॉक्यूमेंट्स, बेहतर रहेगा। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे अपनी मैडम को? जो लड़की अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं संभाल के रख सकती, वो ऑफिस क्या मैनेज करेगी? क्या कहें सर, वो बाइख्तियार हैं, हायर एंड फायरिंग अथॉरिटी है वो। चलिए ठीक है, 3 महीने के लिए रख के देख लीजिए, अगर कुछ काम सीख जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर फारिग कर दीजिएगा। ठीक है सर। हेलो बाबर, क्या कर रहा है तू? मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रहा? रॉन्ग नंबर। अगर आपसे नहीं होता ये तो किसी और को कह देती, वो टाइप कर देता। एक हफ्ता है आपके पास, उसमें अगर आप कुछ सीखना चाहती हैं तो सीख लीजिए। तू क्या समझता था? तू मुझे इग्नोर करता रहेगा, मैं चुप करके अपने घर बैठ जाऊंगी। दरवाजा खोल। शादी करेगा या नहीं? लड़कियां घर तक आ गई हैं तुम्हारे इस लाड़ने के पीछे, घर बार छोड़ के। बस अब तू इस घर में नहीं रह सकता। कैसे आना हुआ बेटा? अपनी शादी का कार्ड देने आई हूं। तो ऐसा क्यों कर रही है? सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए ना? हर सपने को जी जी करती है, क्या करूं?